हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज मेरे साथ नकुल हैं और मैं नकुल ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बजट अभी आने वाला है 1 फेब को, उसमें हमारी जो कॉमन मैन है या जिसको आप कह सकते हैं कि जो टैक्स पेयर्स है, उनकी एक्सपेक्टेशन, हाउस होल्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है और मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, हम उस पर एक ब्रीफ चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो सारे पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि एक कॉमन मैन या जो कॉमन आदमी जो कि इस देश में है वो एक्सपेक्ट करता है इस बजट से। अभी तक जो पीछे बजट की बात करें तो साल में बहुत सारे बजट भी आए हैं, लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल बजट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 1 फेब को आने वाला है उसमें बहुत तरह की चेंजेस की हम उम्मीद करते हैं। तो नकुल, मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि प्री बजट में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या लगता है? सर, एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर होने के नाते मेरी एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे कि 5 लाख तक के लिए आप उसके अंदर रिबेट देके आपने लगभग उसे टैक्स फ्री कर ही दिया है, तो क्यों ना 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब है उसमें 20% का रेट एकदम बहुत हायर रेट आ जाता है एक टैक्सपेयर के लिए। तो एक सैलरीड क्लास, एक आम टैक्सपेयर यही चाह रहा है कि इंडिविजुअल का वो टैक्स स्लैब जो है कम से कम 10% उसे ले जाया जाए और नीचे नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन आपको ये लगता है कि एक तो कंपनी में भी बहुत अभी ड्रास्टिक कम किया गया है और उसकी वजह से रैक जो रेट चेंज हुए हैं उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो इनकम है उसको भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये होगा या हम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि पॉकेट में तो पैसा है नहीं? जी सर, वो भी हम देखें तो पैसे की दिक्कत है अभी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि डेफिसिट बढ़ा पड़ा है, फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कॉमन मैन को कुछ दिया जाए। जी सर, बिल्कुल उम्मीद हमें लगानी पड़ेगी, बट हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे मैन्युफैक्चरर को बहुत ही लो टैक्स रेट अप दे दिया इन्होंने, उसके अलावा इन्होंने कंपनीज को भी वो 25% का स्लैब दे के काफ़ी रेवेन्यू गवर्नमेंट ने अपना लूज किया है। और जैसे हम देख रहे हैं कि GST से भी कोई खास रेवेन्यू आने रहा है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो उस वजह से शायद गवर्नमेंट दे पाए ना दे पाए। बट सिमिलरली जैसा कि हम ATC में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ रिविजन्स हों, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को फायदा देना जरूरी है। बिकॉज सर, पिछले जब से ये सरकार बजट दे रही है अभी तक इंडिविजुअल्स के पास कोई खास बेनिफिट आया नहीं है, तो इंडिविजुअल जरूर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, वो भी हम जानते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हाँ जरूर, पीछे उसके सबूत नहीं है। हाँ, अगर एक चीज कहा जाए तो ATC में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो कि 1 लाख 50 हज़ार की जो लिमिट दी गई है उसको हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें भी ट्विक किया जाए, इजाफा करा जा सकता है, इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो अलाउंसेस जो हैं बहुत दिनों से एज इट इज पड़े हुए हैं। अगर मैं इन्फ्लेशन का भी रेट लूँ, मैं तो और छोड़ दें कि मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि कुछ बढ़ाया जाए, मैं बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप 5 साल का इन्फ्लेशन भी लेकर अगर उसके साथ ऐड कर दें तो मुझे लग रहा है कि जो अलाउंसेस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखने की बहुत सख्त जरूरत है। सर, जैसे कि अपना स्कूल फीस का अलाउंस आज भी वो 1990 की फीस के हिसाब से सेट है, तो कहीं ना कहीं एक आम टैक्सपेयर चाह रहा है कि मैं अपने बच्चे की फीस बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। 90 से कंपेयर करेंगे तो फिर वो पॉलिटिक्स हो जाएगा कि हम तो उसमें आप ना जाए, वो हमारा काम नहीं है। जब से है वो ठीक है, जब से है तब से। इसके अलावा नकुल, आपको नहीं लगता है कि जो होम लोन में जो इंटरेस्ट का है उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि अगर आप देखें तो एक तो मार्केट डाउन है, रियल एस्टेट की अगर हम बात करें वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल क्लॉज पिछले साल लाया था। बिल्कुल सर, बट वो कहीं ना कहीं वो फेलियर है, वो एक पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रहा, सब पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। स्पेशली मेट्रो सिटी में अगर बात करते तो 1 करोड़ के नीचे फ्लैट ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो आज आप लेने जाए फ्लैट आपको 1 करोड़ के नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। NCR में भी अगर आप ढंग के फ्लैट देखते हैं तो 70-80 लाख का तो है ही, तो आपको नहीं लगता है कि जो हमारे लिमिट है उसको भी इंक्रीज करने की जरूरत है? जी सर, वो लिमिट इंक्रीज होने से क्या होगा, उससे 2-fold फायदा होगा। एक तो कंज्यूमर को बेनिफिट है, यानी कि अगर मैं घर लेने जाता हूं, एक आम टैक्सपेयर घर लेने जाता है उसे फायदा है। सबसे जरूरी जो रियल एस्टेट के खत्म होने की वजह से, रियल एस्टेट के दबाव की वजह से बहुत इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री जो इफेक्ट हो रही है ना, अगर रियल एस्टेट थोड़ा सा उठता है तो हमारी हर इंडस्ट्री उठती है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को फायदा होगा, इसमें थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया जाए। तो पिछले बजट में मुझे जहां तक याद आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ई व्हीकल, जो ग्रीन व्हीकल्स हैं, उस पर बहुत रिबेट दिए थे, ई रिक्शा स्पेशली, और कार पे भी दिया जाए गवर्नमेंट का। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को भी एक बूस्ट की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी ऐसे ही हम थोड़े से स्लगिस मोड में है, तो अगर गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव करती है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल दूँ कि जो मुझे नहीं लगता है पर्सनली, अगर मेरे से आप पूछें तो मैं बहुत उम्मीद नहीं रखा हूँ, इसलिए कि देखिए आप जो इनकम कमाते हैं उसके हिसाब से खर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस गवर्नमेंट में भी दिक्कत ये हुई है कि जो हमारा डेफिसिट है वो बहुत रैपिड इंक्रीज कर गया है। जी बिल्कुल, 15% के आसपास आ रहा है जो एक्सपेक्टेशन है। अब बताए डेफिसिट यानी कि मतलब जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, अगर मैं रिबेट फिर देता हूँ तो ये भी तो मेरे पॉकेट पे ही इम्पैक्ट है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी,
मुझे अगर पर्सनली पूछे तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, जनता की उम्मीद है, लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा। सर, जनता अपने फायदे की सोचेगी, सरकार अपने हिसाब से चलेगी। इसके अलावा कंपनी की तरह एक आप एक देखिए सरकार को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर भी हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेबल कर रखा है कहीं ना कहीं उसको भी मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को उस पर एक बार रीथिंक की जरूरत है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको चेंज करें, मैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डाल दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी रियायत और सेंटीमेंट। बिल्कुल सर, एक सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्ग टर्म पे कोई होल्ड करके बैठा, हर इंसान वो इन्वेस्टर नहीं है, कोई इंसान एक नॉर्मल इंसान है जो लॉन्ग टर्म पे किसी चीज को होल्ड कर रहा है। बहुत लोग इंडिया में अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए उस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट को इसको भी कंसीडर करना चाहिए कि किस तरह से सेग्रीगेट किया जा सकता है कॉमन मैन और बिजनेस को और उस तरह के बड़े इन्वेस्टर को। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा भावनाओं से चलने वाला देश है, थोड़ा भावनाओं को कंसीडर करना मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कि ये जो एक बहुत छोटी सी भावना आपने पकड़ी कि अपने बच्चों की एजुकेशन, उनके फ्यूचर के लिए इंसान सेव कर रहा है, उस पे सरकार को कम से कम थोड़ा सा रियायत बरत देनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा ढील दे देना चाहिए। सर, अभी तक हमने बात करी है रियायत की, अब थोड़ी क्लैरिटीज की बात करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट भी हमारे को आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत हमारे ऐसे सिस्टम है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है, सर एक्ट तो बहुत अच्छा है, बट उस पर नहीं लगता वो थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है और जल्दी से प्रोसेस वो कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, इंसॉल्वेंसी में अगर आप बात देखें तो उसमें टाइमलाइन ऑलरेडी 180 डेज का दे रखा गया जी, तो उसको बहुत, मेरे हिसाब से इंसॉल्वेंसी क्या एक नया लॉ है। देखिए, बच्चा अगर पैदा होता है तो पहले दिन उसको स्कूल नहीं भेजते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इंसॉल्वेंसी भी मेरे हिसाब से बेंचमार्क है इस गवर्नमेंट के, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। बाकी पॉलिसीज अलग है, लेकिन इंसॉल्वेंसी एक वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने किया। और इसमें देखिए, पहले दिन से ही फ्लो है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बच्चा बड़ा हो रहा है और इसको डे बाई डे इसको सेव दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इंसॉल्वेंसी की वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बैंकों की कम होगी। जो उसमें एक और चीज़ बताएं कि इंसॉल्वेंसी को लोग थोड़ी दूसरी नज़र से देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब कि मैं दिवालिया होने वाला, उसमें एक अच्छी चीज़ क्या है जो कि जनरली मैंने जितने वीडियो और देखे नहीं बताए गए हैं। अगर आपका पेमेंट, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं उस टर्म में नहीं जा रहा हूँ अलग अलग चीज़ों के लिए, अगर कोई कंपनी आपकी पेमेंट नहीं दे रही है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो हुए, हाँ, फाइनेंशियल ऑपरेशनल दोनों है, और ठीक है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बात करते हैं, मैं टेक्निकल वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स सबको समझ में आए, व्यूअर्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। बैंक तो है ही, मैं मान के चला एज ए प्रोफेशनल मेरी फी किसी एक्स कंपनी ने रख ली 5 लाख रुपए और वो मुझे पे नहीं कर रहा है। पता है आपको कि इस लॉ ने मुझे ये पावर दिया है, अगर मैंने उसको प्रॉपर कम्युनिकेट किया और उसने मुझे पे नहीं किया तो मैं इंसॉल्वेंसी आईबीसी में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ जी। ये एक बहुत बड़ा हथियार है। तो देखिए, हर लॉ का अपना प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो होता है, बट ये लॉ अच्छे से मैच्योर हो रहा है, और 1 से 2 साल बाद आप देखिएगा इस लॉ में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे और ये एक वन ऑफ द बेस्ट लॉ होगा हमारी कंट्री के जी। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए भी और हमारे हर व्यापारी को जिन्हें कंपनी से पेमेंट रुकता है, बहुत फायदेमंद लॉ है। उनके लिए अच्छा तो अलग से वीडियो बनाएंगे कि अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आईबीसी के थ्रू कैसे निकाले। बिल्कुल सर, धमका के निकाले, डरे नहीं, उनको धमकी देके आप पैसे ले सकते हैं लीगल तरीके से, धमकी लीगल एकदम धमकी कि अगर आपने नहीं दिया तो आईबीसी में जाके केस कर देंगे आप पे। बिल्कुल सर, और वो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। अगर आप अबीवा का केस देखें तो एक रेंट नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बेंचमार्क है कि सोचिए आपने रेंट नहीं दिया, अबीवा जैसी कंपनी को भी आईबीसी में डाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे अभी हमने लिक्विडिटी की बात करी, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए 2 पॉइंट्स रखना चाहूंगा यहाँ। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बैंकिंग को एडिशनल लिक्विडिटी की बहुत जरूरत है, तो बजट में उसका कोई प्रावधान लेना पड़ेगा। प्लस एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना सर, वो चाह रहा है इजिली इन्वेस्ट कर सके और इजिली डाइवेस्ट कर सके, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को अपना पैसा सेफ चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर आना हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। देखिए, इस टाइम देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में तो पॉलिसी को लेके अभी देखिए मार्केट ओवरऑल डाउन है। जब मार्केट डाउन होता है तो लोग बड़े डरे रहते हैं जी। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उस तरह का कॉन्फिडेंस देना, उस तरह से बूस्ट करना कि जो इन्वेस्टर है वो अपने आप को सिक्योर्ड और अपने आप को आपके एम्पावर्ड। अगर ये जो चीज़ हम कर पाते हैं बजट में, जो मैसेज दे के बहुत क्लियर कर पाते हैं, तो आई थिंक ये इंडिया हमेशा एक फेवरेट डेस्टिनेशन लगा है लोगों के लिए और आगे भी बना रहेगा जी। सर, एक और चीज़ है सर, मैं पिछले काफ़ी टाइम से हम अपने प्रोफेशन में आप और हम दोनों फेस कर रहे हैं, रॉयल्टी जो एक एक्सपेंस होता है ना सर, उसको रिकॉग्नाइज करके बहुत लिटिगेशन होती है रॉयल्टी को जस्टिफाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ शायद बजट में, अगेन कोई रियायत नहीं देनी गवर्नमेंट को, बट इनकम टैक्स एक्ट में कहीं प्रिस्क्राइब कर दीजिए कि अलाउंस इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है सर वो। देखिए, उसमें जजमेंट बहुत ऑलरेडी हुए पड़े हैं, तो आप वहाँ से भी देखते, तो मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट इस तरह के लॉ प्रोसीजर में जाएंगी। उनका मेजर टारगेट होगा कि किस तरह से इकोनॉमी बूस्ट करें, कंजम्पशन बूस्ट करें। उनका मेजर फोकस इस बजट में जो भी होगा वो मेजर इसी में होगा कि किस तरह इकोनॉमी को रिवाइव करें।
कंजम्पशन बढ़ाएं और लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचाएं। मेजर ये होना बिल्कुल सर। सर इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं कि इकोनॉमिक एडजस्टमेंट जो होती है ना, जैसे कि अगर कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज होती है, अब स्टार्टअप है नई नई मशीन लगाता है एक बार में तो पूरी यूटिलाइज होनी जाती है, ऐसे ही मार्केट की जो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कभी लगाई जाती है या हायर मार्केट स्ट्रैटेजी जब मतलब स्टडी वेडी चल रही होती है उसकी रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार को अब रिकॉग्निशन देना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की जाती है बुक्स में ये भी अब सरकार से रिकॉग्नाइज करके चले। अब देखिए ये बहुत टेक्निकल ये आपका मैटर है। जी 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 आई थिंक आप इसको क्लियर करें क्योंकि ये जो सेगमेंट है इस पे आप बहुत डील करते हैं। आप अपना इस पे ओपिनियन बताएं कि किस तरह से, क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है हम टैक्स में बहुत जी ज्यादा उस तरह से रहते हैं, तो आपको आपको इस डोमेन का आइडिया है तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की यूटिलाइजेशन के केस में क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या एडवाइस है? एक इकोनॉमिक एडजस्टमेंट जब करती है कोई भी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप, आप नया नया बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट उसे कहीं रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अब क्या है ना, आप पहली फंड के क्रंच से जूझ रहे होते हैं, एक एंटिटी पहले ही जूझ रही है उसकी और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को फिर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता तो कंपनी ना फंस जाती है। यहाँ पे चारों खाने चित जैसे कहा जाता है, चार तरफ से मार पड़ती है। वो चौतरफा मार से बचने के लिए मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, और सर ये मेरी एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को भी पता है स्टार्टअप को वो प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जैसे जो उनके इनिशिएटिव्स मेजर मेजर उनके मेजर हैं सर। लंदन एयरपोर्ट पे उन्होंने शेयर बना दिया कि मेक इन इंडिया, तो इन इनिशिएटिव्स को चलाने के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ये टू फोल्ड एक्सपेक्टेशन है मेरी है क्योंकि रिक्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं सरकार की इंटेंशन के हिसाब से भी मैं मान के चल रहा हूँ। लेट्स सी जब बजट आता है तो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट को मैं मान रहा हूँ इस बार शायद ये रिकॉग्नाइज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। कितना हुआ है? सर लास्ट एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि सेफ हार्बर रेट्स जो है ना कुछ सिलेक्ट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के लिए सेफ हार्बर रूल्स जैसे कि हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग में लेते हैं वैसे ही सेफ हार्बर रेट्स कहीं ना कहीं अब सिलेक्ट इंडस्ट्रीज में भी हमें उनकी जरूरत पड़ चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इस बार वहां पे भी थोड़ी सी गवर्नमेंट रियायत बरत के चलेगी, वो बता के चलेगी। क्योंकि नकुल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा क्योंकि अभी जो मुझे लगता है एज ए जितना मैंने भी इकोनॉमी देखा है और जो हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया, अभी मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट की सबसे प्रायोरिटी होगी ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन पे। गवर्नमेंट कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमशन की जरूरत है क्योंकि आपकी इकोनॉमी हमारा जो पूरा इकोनॉमी बेल्ट है जो हम पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं जो देश की चल रही है उसमें हमारा पूरा जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है ये एक बड़ा यूनिक मॉडल होता है। यानी कि अगर कंजम्पशन होगी तो मेरी इकोनॉमी हिट होगी। बिल्कुल सर। और अभी क्या है कि कंजम्पशन डे बाई डे डिक्लाइन हो रहा है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारी सेविंग बहुत लोएस्ट चल रही है बिल्कुल अगर आप डेटा देखते हैं, और प्लस कंजम्पशन डाउन है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट दो चीजों पर फोकस करे कि कैसे आपकी सेविंग इंक्रीज हो यानी आपकी इनकम बढ़े, दूसरा उस इनकम का डिसबर्समेंट भी हो। यानी कि अगर गवर्नमेंट में मैं अगर सोचता हूं कि अगर मैंने कोई आपको बेनिफिट दिया तो मैं कोशिश करूंगा वो बेनिफिट किसी भी तरह से मैं वापस भी ले लूं। किस फॉर्म में हो सकता है ATC में बोलूं कि मैं आपको बेनिफिट ये टैक्स दूंगा लेकिन आपको लिए इसको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी मतलब मैंने आपको एक बेनिफिट दिया, टैक्स बेनिफिट तो हो गया और आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साथ के साथ दे दूंगा। इससे क्या है कि पैसा तो आपको बेनिफिट हुआ, आपकी सेविंग बढ़ी और वो पैसा वापस इकोनॉमी में हमने मूव इन कर दिया। बहुत जरूरी है, पेनिट्रेशन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको बेनिफिट दे, पैसा नहीं है दिक्कत ये भी है मुझे ये भी ध्यान रखना, मेरे पास पैसा तो है ही नहीं देने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ये स्मार्ट प्ले करना हो कि मैं आपको बेनिफिट भी दूं, वो बेनिफिट अपने पास लेकर भी आऊं और उस बेनिफिट का फिर यूज भी कर जाऊं। बिल्कुल सर। अगर ये हम कर पाते हैं तो मेरा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस मेजर जो रूरल एरिया होगी इंडिया की इकोनॉमी वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करेगी। क्योंकि अभी एक चीज याद रखिएगा, ये जितने आप पॉइंट बात कर रहे हैं ना ये सब इलेक्शन के भी कैंपेन में होने जी सर। तो अभी इलेक्शन हमारी बहुत दूर है। जी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है बजट में। गवर्नमेंट में ऐसा कोई बिग बैंग बेनिफिट वाला कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्चुअली अभी वही काम होगी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, मेरी उम्मीद यही है। जी जी जी। तो बाकी तो एक तारीख सर देखिए अब देखिए हमने अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन रख दी है, आपने अपनी और मैंने अपनी कितनी उम्मीद करते हैं कि ये बजट कितने प्रतिशत सरकार रेवेन्यू फेवर में लेगी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और कितने प्रतिशत ये रियायत बरतेगी हमारे आम टैक्स पेयर को, कितना मान के चलते हैं? चलिए एक से दस तक कितना आपको लगता है कि बेनिफिट दे दिया जाएगा? टीवी वाला होगा, टीवी में जब मैं बैठता हूँ जी बिजनेस और उसपे ये क्वेश्चन हमेशा, आप नंबर बताइए। देखिए ये परसेंटेज बताना तो नकुल बहुत मुश्किल है और ये करना भी गलत है जी, क्योंकि हम स्पेकुलेशन नहीं कर, हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम लोगों से बात करते हैं, हमारे पास भी अपना बहुत बड़ा व्यूअरशिप है, हम लोगों से जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हम जो होना चाहिए हम वही बात कर रहे हैं। हमारे पास ना कोई अथॉरिटी है ना हम कोई न्यूज चैनल है। बिल्कुल सर। हम कोई रेटिंग नहीं देने वाले और ना ही हम उस तरह से कल को बजट आ भी जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये 1/5 हमारे लिए हर बजट बढ़िया है। जी हम जी। उसकी जो हमारा काम उस बजट पे कहीं ना कहीं कमांड करना है और
बेस्ट बेनिफिट देना अपने क्लाइंट्स को, हमारा कोई काम नहीं, हम कोई न्यूज एजेंसी नहीं है, ठीक है सर। और हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, आई थिंक उनकी हमने सारी बातें कवर कर ली। अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन जो हम नहीं कवर कर पाए, नीचे कमेंट्स में जरूर डालिएगा, हम जरूर देखेंगे कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन इस बजट में मीट होती है या नहीं होती है सर। अगर होती होगी तो हम उस पर आपके लिए स्पेशल कवरेज भी देंगे। बिल्कुल सर, स्पेशल कवरेज नेक्स्ट वीडियो में जब मैं और हिमांशु सर साथ में आएंगे तो आपका नाम डेफिनेटली मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना सर। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।